नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्यचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानजन्यशलाक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम् मङ्गलमयमङ्गलकरं वीतरागविघ्ना नमो ताय विजाते वै हरिहन्तादि महान् ॐ नमः सिद्धेव्य नमः सिद्धेव्य नमः सिद्धेव्य कलिकाल सर्वज्ञ कुंकुन आचार्य भगवान द्वारा रचित भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा ग्रंथाधिराज समयसार जी परमागम और जयसेन आचार्य भगवान कृत तात्पर्यवृत्ति टीका इनकी 320वीं गाथा के ऊपर में परम कृपाल हम बालकों के तारणहार अपने अंतरंग के हृदय में पधार कर शुद्धात्मा की बात को बतलाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलमय चौथा प्रवचन, जिस प्रवचन के माध्यम से त्रिकाली भगवान आत्मा ध्रुव है, बस वही खरेखर वास्तविक द्रव्य है। उसके अलावा जो चार भाव है, उदय उपसम सोपसम और साई के चार भाव है, वो पर्यायी भाव है, नाशवान भाव है, पलटते भाव है, टलते भाव है, उसमें भगवान आत्मा में उस परिणामों का सदाय अभाव है। इस बात को सिद्धि करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री हम सभी को एक उपदेश नहीं आदेश देते हैं कि अनादि अनंत काल में यदि किसी को भी आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मा का श्रद्धान हुआ, तो इसी विधि से हुआ है। तो आज अपना यह कर्तव्य बनता है कि जिस विधि से ज्ञानी भगवान तो अपन को सुधात्मा बतलाते हैं, उस विधि से सुधात्मा को देखने का प्रयत्न करें। यदि जिनवाणी में कहीं पे राग को चारित्र का विपरीत परिणमन कहा, तो ये बात गलत नहीं है। और यदि कहीं पे राग को पुद्गल का परिणाम कहा, तो ये बात भी गलत नहीं है।
और कहीं पे यदि राग को अवस्तु कहा तो ये भी गलत नहीं है। अब तीनों बात, तीन बात को समझाने के लिए है। राग को जीव का परिणाम कहने से यदि ये बात को समझ लिया जाए तो निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था जो है वो जीव की उनके साथ की समाप्त हो जाती है, और पुद्गल का परिणाम कहा ये बात को मान लिया जाए व्यवस्था से तो कर्ता कर्म संबंध समाप्त हो जाता है, और अवस्तु मान लिया जाए तो ज्ञाताग्नि संबंध समाप्त हो जाता है। तीन प्रकार के संबंध है जगत में किसी भी पदार्थ को किसी के साथ, निमित्त नैमित्तिक, कर्ता कर्म और ज्ञाताज्ञ। अब वास्तविकतया ध्रुव को किसी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। अब बाहर से अंदर लाने के लिए बात कही जाती है कि जीव को पर पदार्थ के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, तू अपने आत्मा की ओर देख तो जैसा आत्मा है वैसे ही शुद्धता प्रकट होगी, तो आत्मा निमित्त और परिणाम के अंदर में वैसे भाव हुआ तो वह नैमित्तिक, आत्मा कर्ता तो परिणाम उनका कर्म, और आत्मा ज्ञेय तो जानने वाले परिणाम उनके ज्ञाता। अब बाहर से छूटने के लिए अंदर में लाने के लिए प्रमाण की मर्यादा में लाने के लिए बात कही गई है। अब जीव जब प्रमाण की मर्यादा में आ जाता है तो क्या कहते हैं, तो सबसे पहले तो यह कहता है कि भगवान आत्मा जो है वो अकारण परमात्मा होने से सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं है। अब ये बात जब उसको समझ में आ जाती है तो कहते हैं भगवान आत्मा अकर्ता होने से द्रव्य पर्याय के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और भगवान आत्मा वस्तु है तो पर्याय अवस्तु होने से उसके साथ ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी नहीं है। तो ये सारी बात एक शुद्धात्मा पे लाकर रख देती है, जहां वो शुद्धात्मा के ऊपर आया कि मैं शुद्धात्मा मात्र वस्तु हूं, निर्विकल्प मात्र वस्तु हूं, तो परिणाम अपने आप स्वयं शुद्धात्मा की ओर झुकती हुई परिणमित हो गई। वो परिणाम स्वभाव की ओर झुकते हुए उत्पन्न हुए तो उनका नाम सम्यक दर्शन है। कुछ करने कराने की बात ही नहीं है, वस्तु की अद्भुत व्यवस्था ऐसी सुंदर है। जिस वक्त जीव इस बात को नहीं मानता उस वक्त भी परिणाम में कुछ होता नहीं है, और इस बात को यदि प्रमाण की मर्यादा में आकर यदि इस बात को मान ले तो भी वस्तु की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ता। वस्तु तो ज्यों की त्यों, जैसी की तैसी, वैसी ही रहती है। तो बस मैं शुद्धात्मा हूं इस बात के निर्णय पे आना सभी जीवों का, गुरुदेव के संतानों का एकमात्र कर्तव्य है। जब आचार्य भगवान ने नास्ति सर्वोपि संबंध कहा तो इस बात का भी हेतु है। इस बात को समझते हुए निष्क्रिय अपरिणामी ध्रुव स्वभाव के ऊपर ले आना वो एकमात्र हेतु है ज्ञानी धर्मात्माओं का। और जब तक संबंध स्थापित रहेगा चाहे दो द्रव्यों के बीच में चाहे दो स्वभावों के बीच में, तब तक मैं अकारण परमात्मा हूं ऐसा निर्णय नहीं होगा। दो द्रव्यों के बीच में स्थापित करेगा तो प्रमाण में नहीं आएगा, और मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय नहीं करेगा तो प्रमाण में अटक जाएगा, जो अनादिकाल की परिपाटी जीव के साथ में बनी हुई है कि वस्तु मिलने पर भी वस्तु में आकर बस क्यों नहीं सकता, क्योंकि वो प्रमाण से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। किसी न किसी बहाने वो परिणाम को साथ में रख देता है, तो वस्तु जैसी है वैसी उनके ज्ञान श्रद्धान में नहीं आती। उसीलिए आचार्य भगवान ने परिणाम को पद्रव्य कहकर, परभाव कहकर, भगवान आत्मा को स्वद्रव्य कहकर, स्वभाव कहकर भेद ज्ञान कराया है कि जिसके वजह से अभेद का ज्ञान आसानी से सरलता से हो जाए। ये तो एक बात। दूसरी बात यदि सोचा जाए तो
परिणाम के अंदर में जब विपरीतता है तब परिणाम के अंदर में क्या होता है? तो क्या परिणाम के अंदर में, ज्ञान के अंदर में ज्ञायक को जानने के अलावा कुछ नहीं होता है? ज्ञान की पर्याय को देखा जाए तो ज्ञान के अंदर में जब प्रतिमा जानने में आती है, उसी ज्ञान पर्याय के अंदर में ज्ञायक जानने में आता है, आता है कि नहीं आता है? अच्छा, अभी अपने ने ऐसा माना कि वो ज्ञान के अंदर में प्रतिमा जी जानने में आती है, तो क्या ज्ञायक का जानना बंद होगा क्या? वो क्रिया, ज्ञान की क्रिया सदैव चलती रहती है। अब इस बात से वो इकरार करे कि ज्ञायक जानने में आता है, तो फिर दूसरा स्टेप ये रहता है कि जब ज्ञायक जानने में आता है तो करना क्या? तो एक ही निर्णय करना है, एक ही श्रद्धान करना है कि मैं परमात्मा हूं। वो क्रिया तो चालू है, ज्ञान के अंदर में ज्ञायक को जानने की क्रिया सतत धारावाही अनादि अनंत सभी जीवों को, ज्ञानी या अज्ञानी सभी को सतत धारावाही चालू है। बस मैं ज्ञायक हूं ऐसा विश्वास करे तो जो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है उसका स्वसंवेदन हो जाता है। बस इतनी अनुभूति की विधि, अनुभव की विधि इतनी सी है। अब इसके अंदर में क्या परिश्रम चाहिए बताइए, कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? वस्तु की व्यवस्था को समझना है और समझकर मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं उसका विश्वास करना है। और इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पे दृढ़ करवाते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ संख्या 56 तीसरे पैराग्राफ पे उपसम, सर्वसम, साइक अने औदयिक चार भाव, चार कया ना अभी, ये पर्याय रूप है, अवस्था रूप है, दशा रूप है, परिणाम रूप है, अंश रूप है और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। इस बात का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से है। उसमें त्रिकाल, त्रिकाल बिंब भगवान, चिद बिंब वितराग मूर्ति, अकसाई स्वभाव का पिंड, वो पारिणामिक भाव, वो द्रव्य रूप है, वस्तु रूप है। समझ में आया? वह परस्पर सापेक्ष ऐसा द्रव्य पर्याय द्वय, द्रव्य अने पर्याय युगल, सो आत्म पदार्थ है। आत्म पदार्थ कैसा है? द्रव्य पर्याय द्वय, द्रव्य पर्याय युगल रूप आत्म पदार्थ है। दो मिलकर आखा आत्मा प्रमाण का विषय कहने में आता है। दोनों को मिलकर आखा प्रमाण का विषय कहने में आता है। निश्चय का विषय तो अब स्टेज पलटता है। एक त्रिकाली भाव को बताया, पर्याय के चार भाव को बताया, ये चार भाव और एक त्रिकाली परम पारिणामिक भाव दोनों को मिलकर एक आत्म पदार्थ है। अब इस आत्म पदार्थ में से शुद्धात्मा को निकालने के लिए, निश्चय को निकालने के लिए, जिसको आत्मार्थी कहा जाए, गुरुदेव का संतान कहा जाए, वो क्या करता है? तो कि इस प्रमाण में से निश्चय को निकालता है। तो निश्चय को निकाल कर वो क्या करता है? कि निश्चय का विषय तो ध्रुव आत्मा, वही वास्तव में आत्मा है। कौन सा आत्मा है? वहां द्रव्य पर्याय रूप द्वय जो आत्मा कहा, युगल वस्तु रूप जो कहा, वो आत्म पदार्थ है, लेकिन ये वास्तविक आत्मा नहीं है, वास्तविक वस्तु नहीं है, और शुद्ध नहीं का विषय नहीं है। वो क्या है? वो प्रमाण का विषय है। अब प्रमाण का विषय में से निश्चय को निकालने के लिए गुरुदेव श्री कहते हैं, निश्चय का विषय तो ध्रुव आत्मा, वो ही वास्तव में आत्मा है। समझ में आया? वो परस्पर त्रिकाल वस्तु ध्रुव, वो पारिणामिक भाव का आत्मा, और चार पर्याय वो वर्तमान पर्याय रूप आत्मा, पर्याय रूप कौन सा आत्मा? व्यवहार आत्मा। हा, वो निश्चय आत्मा, मोक्ष भी व्यवहार से होता है ना, मोक्ष का मार्ग भी व्यवहार है, ऐसी बात है। पर्याय मात्र व्यवहार, तो बात कहां से शुरू करते हैं? जो सर्वोत्कृष्ट परिणाम है वहां से शुरू करते हैं। परिणाम के अंदर में सर्वोत्कृष्ट परिणाम मोक्ष के परिणाम होते हैं, तो वहां से गुरुदेव श्री शुरुआत कहते हैं कि क्या कहते हैं?
आत्मा परिणामिक भाव का आत्मा और चार पर्याय वो वर्तमान पर्याय रूप आत्मा, पर्याय रूप व्यवहार आत्मा, अहो हो अनिश्चय आत्मा, अनिश्चय आत्मा। मोक्ष भी व्यवहार से होता है, न मोक्ष का मार्ग भी व्यवहार है। मोक्ष व्यवहार से होता है और मोक्ष मार्ग भी व्यवहार है। अब कौन माने इस बात को? तो कहता है कि गुरुदेव के संतान हो माने इस बात को। जिसे भगवान आत्मा की महिमा आती है वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मोक्ष जो है वो पर्याय है। पर्याय है माने भेद है, भेद है माने व्यवहार है। कि मोक्ष व्यवहार है तो मोक्ष का मार्ग भी व्यवहार है। ऐसी बात है, बंद की बात एक बाजू रखो, बंद की बात एक बाजू रखो, पर मोक्ष का मार्ग है वह व्यवहार है, क्योंकि पर्याय है। और वो जिनमयम पूछू तू को, प्रश्न नहीं कहा था तीर्थ ने तीर्थ का फल, तुम्हें प्रश्न किया था ना तीर्थ ने तीर्थ का फल, वो तीर्थ भी मोक्ष का मार्ग की पर्याय है। व्यवहार और उसका फल मोक्ष, वो भी व्यवहार। मोक्ष मार्ग वो भी व्यवहार और उनका फल मोक्ष वो भी व्यवहार। क्योंकि मैं तो मोक्ष स्वरूप वस्तु हूं ना, मैं तो मुक्त स्वरूप वस्तु हूं ना, तो मेरी मुक्ति नहीं होती। जो बंधता है उसकी मुक्ति होती है, जो बंधाए छे ते छूटे छे, पर जो सदाई मुक्त स्वरूप छे तो मुक्त स्वरूप छे। तो परिणाम के अंदर में मोक्ष मार्ग का जन्म हुआ और उसका फल मोक्ष होगा, दोनों ही व्यवहार है। क्योंकि वो एक समय की पर्याय है। तो कोई श्रोता में से कहता, हमें तो राग ने व्यवहार समझ ही अच्छी है। किसको हम व्यवहार समझते हैं? कि जो आत्मा का स्वभाव नहीं है ऐसे परिणमन रूप जो राग है उसको व्यवहार समझते हैं। तो गुरुदेव श्री उनका उत्तर देते हैं, अही राग फाग तो क्या ही रह गयो हवे, राग फाग तो क्या ही रह गयो हवे। समझ में आया? राग तो परद्रव्य में चोखा निकाल दिया, स्पष्ट बने राग को स्पष्ट बने परद्रव्य में निकाल दिया, चोखा निकाल दिया। अने एक समय की पर्याय द्रव्य की अपेक्षा वो भी परद्रव्य है। देखिए तो गुरुदेव श्री के वचन है, और ऐसी वस्तु व्यवस्था लक्ष्य में आए बिना सुधात्मा की गरिमा, सुधात्मा की महिमा, सुधात्मा की अद्भुतता अलौकिकता भासती नहीं है। देखिए आज जीव को मोक्ष प्राप्त करने का जो मोह है, क्यों है मोह है? क्योंकि जो बना बनाया भगवान है वो मैं हूं ये विश्वास ही नहीं होता। हमें राग है और हमें अज्ञान है और हमें संसार है और आश्रव बंध का नाश करके संवर निजरा मोक्ष को प्राप्त करना है। ये इस बात को सूचित करता है कि हमें त्रिकाली प्रकट विद्यमान भगवान आत्मा जो है उसका विश्वास ही नहीं होता। तब जीव में कुछ करने का, कुछ प्रकट करने का, कुछ प्राप्त करने का अभिप्राय जो अनादि काल का है वो बना रहता है, और उस अभिप्राय की वजह से सुधात्मा में जोर ही नहीं आता कि तो छे वस्तु बराबर छे, निश्चय थी बराबर छे। तो मैंने वो नहीं लगाकर वो बात को इतनी हल्की कर देता है, इतना ढीला कर देता है कि उसके ऊपर वजन आ ही नहीं सकता। अरे भैया, वस्तु निरपेक्ष बने भगवान है। अब जो निरपेक्ष बने भगवान है वो स्वभाव से भगवान है, बना बनाया भगवान है। इसका विश्वास एक बार आवे तो परिणाम मात्र उसे अवस्तु दिखे बिना रहे नहीं। अब अवस्तु माने पर्याय कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन त्रिकाली द्रव्य वस्तु है तो उस अपेक्षा से पर्याय अवस्तु है। त्रिकाली भगवान आत्मा वस्तु है तो उस अपेक्षा से केवल ज्ञान अवस्तु है। बात क्या कहनी है, कहां ले चलना है, किस भूमि से गुरुदेव श्री बात करते हैं, एजेंडा पर क्या है,
इस बात को समझते हुए यदि इस बात को स्वीकार किया जाए तो मार्ग सही में सरल है। देखिए, कुछ करने की परिस्थिति नहीं है। आज यदि ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है तो जीव को क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। अब जिसका पर पदार्थ का अभाव है तो उसको दूर करना, त्याग करना उसको। अब राग का ज्ञान में ग्रहण कब होता है और ज्ञान का आत्मा में त्याग कब होता है? राग का ग्रहण नहीं होता और ज्ञान का त्याग नहीं होता तो करना है क्या? राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, भिन्न 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 करना नहीं है, भिन्न भिन्न है ऐसा जानना है और ऐसा जानकर बस मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास करना, बस ये मोक्ष मार्ग है। इससे दूर मोक्ष मार्ग नहीं है कोई भी। कौन कहता है कि मोक्ष मार्ग कठिन है? यदि वस्तु को वस्तु की व्यवस्था से देखा जाए, द्रव्य पर्याय स्वरूप व्यवस्था को व्यवस्था से देखा जाए और द्रव्य पर्याय स्वरूप व्यवस्था को देखकर द्रव्य को त्रिकाल स्वभाव की व्यवस्था से श्रद्धा से देखा जाए तो मार्ग तो अत्यंत प्रकट है, अत्यंत विद्यमान है। भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, इससे अच्छे समाचार और क्या हो सकता है? अनादि अनंत अज्ञानी को भी तीन बिंदु समझ में आए, बराबर बस ये बात समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा और कोई संबंध है ही नहीं और इसी संबंध के अंदर में जीव चक्कर में पड़कर बस गुलाटे खाते रहता है। जो स्वभाव से परिपूर्ण है, जो द्रव्य स्वभाव है, जो अपरिणामी है, वो किसी का निमित्त नहीं हो सकता। जो स्वभाव से अकर्ता है वो किसी का कर्ता नहीं हो सकता। जो स्वभाव से त्रिकाल ज्ञाता है वो किसी का ज्ञेय नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान में ज्ञायक ज्ञेय है ऐसा मानता है तब तक भेद खड़ा रहेगा, विकल्प होगा। पहले आप कहते हैं ज्ञान में ज्ञेय बनो, पश्चिम ज्ञेय गुरु ज्ञेय। वही कल बात की थी ना कि स्टेप बाय स्टेप अंदर में लाया जाता है, करे क्या, समझावे तो कैसे? समझाना तो है भगवान आत्मा। अब वो बाहर पे खड़ा है तो बाहर से अंदर में लाने के लिए भेद करके भेद करके भेद करके अंदर में लाया जाता है। लेकिन जब वस्तु की अनुभूति होती है तो बाहर की चर्चाओं से, बाहर के विकल्पों से नहीं होती। एकमात्र शुद्धात्मा मैं हूं, इसके अलावा और कुछ चलता ही नहीं है अंतरंग के अंदर में। रोज जब चलता है तब अनुभूति हुए बिना रहती है, क्योंकि आत्मा जो शुद्धात्मा है वो पर्याय में नहीं आया। अब जो पर्याय में नहीं है और बाहर कहां पे आएगा? और अनुभूति पर्याय में होती है। अब पर्याय में वो भगवान आत्मा आया नहीं, आपको करना क्या, बताओ आप? अच्छा, अनुभूति हो जाए उसके बाद में वो पर्याय में आता है? अनादिकाल के अज्ञान में परिणाम में ज्ञायक आत्मा नहीं आया और आज से यदि ज्ञान हो जाए तो अनंत काल में परिणाम में ज्ञायक आने वाला नहीं। तो फिर करना क्या है? समझना है कि बस मैं ज्ञायक मात्र वस्तु हूं। ऐसी समझ जिस वक्त जिस क्षण होती है उसी क्षण वो भगवान आत्मा उस शुद्ध वेदी में विराजमान हो जाता है। वेदी शुद्ध जिस वक्त उस वेदी में मैं परमात्मा हूं ऐसी वेदी शुद्धि कर ली, उस समय वो भगवान आत्मा वहां पर विराजमान हो जाता है। एक बार गुरुदेव श्री के इस वचनों को आत्मसात करने के लिए मूलभूत तत्व की जो बात है, मूलभूत तत्व की जो विषय जो चल रहा है, मूलभूत तत्व की बात है। इस बात को शांति से, धीरज से, एक एक वाक्य को कब तक पढ़े? तो पूज्य बैंसरी बेन के शब्दों में मैं कहूं तो उनका आदेश यह रहता था कि जब हम लोग सोनगढ़ से कलकत्ता के लिए चलने के लिए
जिस दिन निकलना उस दिन दोनों के दर्शन करने के लिए जाते थे आश्रम में, तो वो कहते थे कि भाई घरे जी ने स्वाध्याय कर जो, कोई पर परमागमनी एक गाथा ले जो, एनो एक पेरेग्राफ वाची ने एमाती पेलू वाक्य जे छे एनो अर्थ आचार्य भगवान क्या ले जवा मांगे छे ए समझ जो, अने ए ज्यां सुधी न समझाय त्यां सुधी बीजू वाक्य नहीं वाचता। जब तक वो वाक्य का अर्थ आचार्य भगवान का हृदय समझ में नहीं आवे तब तक आगे मत पढ़ना, शास्त्र पूरा करने का अभिप्राय मत रखना, भले ही कथा में जीवन पूरा व्यतीत हो जाए। ये शास्त्र स्वाध्याय की पद्धति। आज गुरुदेव इतनी गंभीर बातें करे, इतनी अद्भुत आत्मा का वैभव बतलावे, और हम ये बात कहते रहे कि हमें समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। क्या समझ में आता हमें? ये द्रव्य पर्याय दो भिन्न भिन्न तत्व है, भिन्न भिन्न सत्ता है, भिन्न भिन्न पदार्थ है, एक त्रिकाली है, एक सड़िक है, एक नित्य है, एक अनित्य है। ये बात समझ में नहीं आने वाली तो है नहीं। अब इसका ज्ञान हो गया कि भाई एक वस्तु के दो भाव है, द्रव्य और पर्याय, और ऐसी पूरी प्रमाण वस्तु है। अब एक प्रमाण वस्तु के अंदर में एक मैं हूं और एक मैं नहीं, अनादिकाल से पर्याय सो मैं और आत्मा सो मैं नहीं ऐसा माना था, उसका फल आज हम भोग रहे हैं। तो आज अपन मैं शुद्धात्मा हूं इस बात का निर्णय करे, निश्चय करे, और परिणाम मात्र से भिन्न हूं, परिणाम मात्र से रहित हूं, इसका विश्वास करके एक बार देख ले। फिर गुरुदेव श्री कहते हैं कि फिर आत्मा न मिले तो मेरे पास आना। भाई शास्त्र में तो एवो पाठ है कि अत्यंत प्रमादी जीव है, अत्यंत प्रमादी है, वधारे वधारे 6 महीना में अनुभव थी जाए, तो ये तो प्रमादी से भी गया गुजरा। कि आत्मा की बात, सुधात्मा की बात सुनकर वो नाचता नहीं है, उल्सित नहीं होता, हर्षित नहीं होता। अरे ऐसा मेरा वैभव अनादिकाल से आज तक मैंने कोई भी कमियां नहीं रखी आत्मा को अनात्मा करने के लिए, लेकिन वहारे अनात्मा, वहारे शरीर, वहारे जड़ पदार्थ, वहारे पुद्गल पदार्थ, मेरे अनंत प्रयत्न को भी तूने कामयाब होने नहीं दिया, तो तू धन्यवाद के पात्र हो। यदि मैं शरीर हूं ऐसा अनादिकाल से मानता रहा और एक समय के लिए भी मैं शरीर रूप हो जाता तो आज क्या होता? चेतन जड़ हो जाता, विश्व का नाश हो जाता, लेकिन अनंत प्रयत्न के बावजूद भी जड़ जड़ रहा और चेतन चेतन रहा, तो मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं। अनादिकाल से आज तक मैं संसार में रुला नहीं, मेरे में कुछ बिगड़ा नहीं है आज के दिन में, आज के समय में मैं ज्यो का त्यो, जैसा का तैसा, परमात्मा का परमात्मा, यूं का यूं रहा। इससे अच्छे समाचार और क्या हो सकते हैं? और इस बात का इकरार कर ले एक समय के लिए, मैं परमात्मा हूं, भैया परिणाम परमात्मा बन जाएंगे, तुझे कोई प्रयत्न नहीं करना होगा। परमात्मा बनने के लिए कोई प्रयत्न नहीं होता, प्रयत्न होता है तो मैं परमात्मा हूं उसका श्रद्धान करने का प्रयत्न होता है। बाकी जो कुछ भी परिणाम के अंदर में घटनाएं घटती है वो आपो आप घटती है, स्वयं घटती है, उसके लिए किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। सम्यक दर्शन यानी कि धर्म की पर्याय यूं ही मुफ्त में प्रकट होती है। स्वभाव व्यक्त होने के लिए तैयार, प्रकट है एकदम, बिल्कुल स्वभाव एकदम हजरा हजूर है, विद्यमान है, बस तू स्वीकार करके मैं परमात्मा हूं, बस इतनी सी बात है। तो ये बात तुझे कठिन लगती है तो हम क्या कहें? इससे आगे तो आचार्य भगवंत गुरुदेव ज्ञानी धर्मात्मा क्या कर सकते हैं? वो बारंबार एक की एक बात, एक की एक बात, एक की एक बात घुटाते रहे, और तू घुटता रहे तो उद्धार हो सकता है। एक समय की पर्याय द्रव्य की अपेक्षा वो भी पर द्रव्य है, ऐसी बात है।
है, सिद्ध पर्याय है। वितरागी निर्मल शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के पर्याय वो तीर्थ है, वो निश्चय द्रव्य की अपेक्षा सक्रिय परिणाम हुआ। भगवान आत्मा ध्रुव तो निष्क्रिय है, सिद्ध की पर्याय निर्मल शुद्ध दर्शन ज्ञान चरित्र की पर्याय वो तीर्थ है, वो निश्चय द्रव्य की अपेक्षा सक्रिय परिणाम हुआ, और भगवान आत्मा ध्रुव तो निष्क्रिय है। बस मैं ध्रुव निष्क्रिय हूं, ये बात जहां समझ में आती है तो सक्रिय सक्रिय नहीं रहता, सक्रिय निष्क्रिय बन जाता है। उसका सक्रिय बना सक्रिय परिणाम ये घोषणा करने लगती है कि मैं निष्क्रिय हूँ, मैं निष्क्रिय। सक्रिय निष्क्रिय की घोषणा कौन करता? सक्रिय करता हूँ। सक्रिय क्या घोषणा करता? मैं सक्रिय निष्क्रिय का लक्ष्य करती हूँ, ऐसी घोषणा करता। मैं निष्क्रिय हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो हाँ, तो वो अनित्य अनित्य नहीं रहा, वो क्षणिक क्षणिक नहीं रहा, वो निष्क्रिय हो गया। पर्याय ही उसे कहते हैं जो द्रव्य को अनुसरे, जैसा द्रव्य हो वैसा परिणमन हो, उसी को द्रव्य की पर्याय कहते हैं। द्रव्य शुद्ध और पर्याय यह कहे मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं शरीर वाला, वो द्रव्य की पर्याय ही नहीं है, वो जड़ की पर्याय है। वो पर है, जो यह कहे कि मैं शरीर हूं वो पर्याय नहीं है, पर है। और जो यह कहे कि मैं शुद्धात्मा हूं उसका नाम पर्याय है। पर्याय की परिभाषा डिक्शनरी में पलटनी होगी। मैं द्रव्य का लक्ष्य करूं वो भी पर है, मैं द्रव्य हूं वो पर्याय है। जो त्रिकाली वस्तु भगवान ध्रुव है, बस वो ही खरेखर वास्तविक द्रव्य है। उसी में बीच में दो तीन लाइन छोड़ के उसके पश्चात है, जो त्रिकाली वस्तु भगवान ध्रुव है, बस वो ही खरेखर वास्तविक द्रव्य है। और एक समय की अवस्था में चार भाव है, वो पर्याय आत्मा है, वो त्रिकाल में है नहीं। आत्मा है, प्रमाण का आत्मा है, पूरा आत्मा है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव आत्मा के अंदर में वो जो चार पर्याय है वो नहीं है। हमें याद क्या कितना रखना। अब इसके आगे कहते हैं, वहां प्रथम तो चौथा पारा में जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसे तीन प्रकार के पारिणामिक भाव में हमें पारिणामिक का तीन भेद लिया। वो ऊपर से साधारण नाम लिया था, वो पारिणामिक का भेद लिया, क्योंकि मूल पारिणामिक स्वभाव त्रिकाल है वो समझाना है। तो भेद रूप पारिणामिक भाव है ये अशुद्ध पारिणामिक है, एम बताना है। तत्व सूत्र में आया ना पारिणामिक का तीन भाव, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, ये अशुद्ध नहीं से व्यवहार नहीं से कथन है। समझ में आया? अभी इसका विवरण गुरुदेव से आगे करेंगे, तब उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और कहते हैं कि यही कहते हैं जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन प्रकार का पारिणामिक भाव है, उसमें कोई कर्म की पर की अपेक्षा है नहीं। शुद्ध जीवत्व, अभी उस बात को पूर्ण विराम देकर कोमा करके कहते हैं, शुद्ध जीवत्व ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिक पड़ा, हवे सुनो, शुद्ध जीवत्व त्रिकाल ध्रुव शुद्ध जीवपणा आत्मा जो वास्तव में खरेखर कहा नियम सार में, समझ में आया? ऐसे शुद्ध जीवपणा त्रिकाल ध्रुवपणा अभेद चैतन्य स्वभावपणा ओ शुद्ध जीवत्व, ऐसा जो शक्ति लक्षण शुद्ध शक्ति लक्षण है, ध्रुव का लक्षण है, सत्व का लक्षण है, त्रिकाल जीवत्व भाव ये पारिणामिक पणा, ये पारिणामिक भाव है, सहज भाव है, त्रिकाल भाव है, एक रूप भाव है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से, देखो आया था ना पहले, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है। कितनी बात एक साथ में कह देते हैं, और ये सारे का सारी बात
अपरिणामी परम परिणामिक भाव की गुण गाथा गाने वाली बातें हैं। कैसा है अपना भगवान आत्मा? शुद्ध जीवत्व त्रिकाल धूप, शुद्ध जीवपणा, आत्मा जो वास्तव में खरेखर कहा, ऐसे शुद्ध जीवपणा त्रिकाल ध्रुवपणा अभेद चैतन्य स्वभावपणा वो शुद्ध जीवत्व, ऐसा जो शक्ति लक्षण शुद्ध शक्ति लक्षण है, ध्रुव का लक्षण है, सत्व का लक्षण है, त्रिकाल जीवत्व भाव शुद्ध शक्ति लक्षण है, ऐसा पारिणामिक पणा, ये पारिणामिक भाव है, सहज भाव है, त्रिकाल भाव है, एक रूप भाव है। देखिए उनके अंतरंग में क्या बहता है, वो तो उनके अंतरंग में जाकर देखा जाए तो पता चले कि इतनी महिमा किस तरह से आती है सुधात्मा की ज्ञाय की, जो बारंबार उसका अनुभवन करते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर बाहर आकर वो सुधात्मा कैसा है, जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा अनुभूति में आया, उसका विवरण करते हैं। तो आज अपना कर्तव्य क्या, गुरुदेव ने पूठे पूठे चैला जीव, गुरुदेव नो खेस पकड़ी रहा, बस एटलू कर्तव्य है कि प्रभु आप जे क्यों छो ये प्रमाण वचन, बीजो कोई विकल्प ना हो जोइए। आप एटलो महिमा गाओ अने हूँ प्रश्न कैराज करूँ कि प्रभु बात समझ में नहीं आती, तो धूल पड़ी जीवन नी अंदर मने, इतनी अद्भुत महिमा सुधात्मा की बतावे, इतना वैभववान को बतावे हथेली में रखकर, और फिर भी अपन को उसकी महिमा ना आवे तो ये कैसे हो सकता है? देखिए वस्तु को वस्तु से देखना होगा, आप वस्तु को पर्याय में खड़े रहकर देखोगे तो वस्तु नहीं दिखेगी, क्योंकि पर्याय अपना धर्म नहीं छोड़ता, उत्पाद व्यय और पर्याय का धर्म है वो नहीं छोड़ता, लेकिन पर्याय पर्याय पना छोड़ देती है। क्या कहा? मैं ध्रुव हूं ऐसा ऐलान करने वाली पर्याय पर्याय पना छोड़ देती है, अपना धर्म नहीं छोड़ती, उत्पाद व्यय के प्रतिपल उत्पन्न होते हुए उत्पाद व्यय परिणाम के अंदर में मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव, वो ज्ञायक पना को एक रूप करती हुई परिणमती है, ऐसी अद्भुतता है परिणाम के अंदर में भी। आज परिणाम की व्यवस्था में को भी हमने समझा नहीं है। देखिए द्रव्य की पर्याय है और पर्याय में द्रव्य न हो तो द्रव्य की पर्याय कहेंगे हम किसको? और पर्याय का काम ही तो इतना ही है कि बस वो द्रव्य का जय घोष करे। आज गुरुदेव के संतानों का कर्तव्य क्या? गुरुदेव का जय घोष करे। गुरुदेव का कर्तव्य क्या? आचार्य भगवान का जय घोष करे। पर्याय का कर्तव्य क्या? गुरुदेव का आचार्य देव का जय घोष करने का मतलब यह है कि आचार्य देव का जो हृदय है बस यही बात कहते रहे। आज गुरुदेव जिस सुधात्मा को बतलाते हैं हम उसी बात को करते रहे। पर्याय का कर्तव्य क्या? बस मैं सुधात्मा हूँ सुधात्मा हूँ सुधात्मा हूँ, एक बात को कहती रहे, समझती रहे, जानती रहे, मानती रहे, इतना ही पर्याय का कर्तव्य। देखिए यह कठिन कुछ नहीं है, बात इतनी प्रगाढ़ कही गई है कि अपन को लगता है कि इसके अंदर में बहुत मेहनत है, मेहनत नहीं है। आप ठंडे कलेजे से अपने अभिप्राय को एक पोटली बांधकर एक तरफ रख देना, जब सुधात्मा की बात करे तो प्रमाण की बात बीच में मत लाना, यदि उसकी बात को बीच में लाओगे तो घोटाला हुए बिना रहेगा नहीं। निश्चय की बात चलती हो तब व्यवहार को सामने रखे, व्यवहार चलता हो तब निश्चय की बात सामने रखे, ये मुमुक्षुता का लक्षण नहीं है। देखिए इतना तो मुमुक्षु का कर्तव्य बनता है, इतनी तो जिम्मेदारी उनकी है कि जो विषय को जहां से कहा जाता हो वो विषय को वहां से समझे, दूसरी कोई बात को वहां पे मिश्रण ना करें। यहाँ पे सुधात्मा कैसा है और सुधात्मा की अनुभूति किस तरह से होती है उसका यदि विधि विधान बतलाया जाए और उस विधि विधान के अंदर में चार भाव को पद्रव्य कहा जाए तो उसको ये कहना चाहिए कि प्रमाण वचन गुरुदेव,
प्रमाण वचन आचार्य भगवान, उसके अंदर में पर्याय जड़ हो जाएगी क्या? बात यह नहीं है, यहां पे बात पर्याय की मिठास मिटाने की है, पर्याय बुद्धि मिटाने की, पर्याय का एकत्व मिटाने का। आज देखिए जीव ये जो सोचता है ना कि हमें राग का अभाव करना है, राग का अभाव करना, सही में ये क्या है? मोह है। राग राग आत्मा में होता ही नहीं, उसको आपको अभाव करना, तो ये राग का राग है, राग का मोह है, राग का ममत्व है। अब जिसको ज्ञान ने कभी ग्रहण ही नहीं किया उसको आपको त्याग करना है, तो अज्ञान की चरम सीमा है। वस्तु को एक बार यदि वस्तु से देखा जाए तो चरम सीमा पे सरल वस्तु है, चरम सीमा पे। अपन उनको स्वभाव से देखने की आदत डाले, स्वभाव से समझने की आदत डाले, तो अपना स्वभाव अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है। अब संयोग में है सारा विश्व, तो उससे अंतर क्या पड़ता है? उसके साथ में हमें कोई स्वभाव संबंध है ही नहीं, तो हमें अंतर क्या पड़ता है? देखिए क्या कहते गुरुदेव श्री, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से, देखो वो आया था पहले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है। आहा, भगवान आत्मा त्रिकाली जीवपणा अर्थात ध्रुवपणा, ज्ञान दर्शन आनंद वीर्य आदि ध्रुवपणा, जीव न जीवपणा, जीव का जीवपणा, वो त्रिकाली जो है जीवत्व है ना, जीवपणा है उसमें, ऐसा शक्ति लक्षण पारिणामिकपणा शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से, ये तो शुद्ध द्रव्य त्रिकाली उसका जो ज्ञान करने वाली नई वो आश्रय त्रिकाल जीवत्व को ध्रुव कहने में आता है। ये निरावरण है, ये त्रिकाल जीवत्व स्वभाव तो निरावरण है, आवरण फावरण कुछ है नहीं, आवरण तो नहीं पर आवरण का अभाव भी उसमें नहीं। आ तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप ही है, समझ में आया? निरावरण तो है लेकिन निरावरण के अभाव की अपेक्षा भी आवरण से रहित तो है लेकिन आवरण के अभाव की अपेक्षा भी निरावरण स्वभाव को नहीं है। ऐसी वस्तु है, स्वाभाविक वस्तु है। ये चार भाव जो है उसको कैसा कहा? सावरण कहा, आवरण सहित कहा, कर्मकृत कहा, और भगवान आत्मा उसको निरावरण कहा। अब ये निरावरण भगवान आत्मा में चार भावों का आवरण तो नहीं है लेकिन चार भावों का अभाव की अपेक्षा भी इस निरावरण स्वभाव को नहीं है। मैंने चार भावों का अभाव है ऐसा स्वभाव भाव नहीं है, उसकी अपेक्षा स्वभाव भाव को नहीं, स्वभाव भाव अपने से स्वभाव भाव है, अपने से परिपूर्ण है, अपने से कृत्य कृत्य है, अपने से संपूर्ण है। देखिए कितनी अद्भुत बात कहते हैं, जीवत्व तो स्वभाव तो निरावरण है, आवरण फावरण कुछ है नहीं, आवरण तो नहीं पर आवरण का अभाव भी उसमें नहीं, किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं, किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं। ऐसी अद्भुत वस्तु, ऐसी अलौकिक वस्तु मैं हूं, वो तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप ही है, निरावरण उनका स्वरूप ही है, समझ में आया? अभी फिर वो जो तीन जीवपना भविपना और अभिविपना की बात की थी, फिर वहां से बात को शुरू करते हैं। देखिए ज्ञानियों की करुणा की कोई चरम सीमा होती है, एजेंडा पे यदि कोई पर्याय का विषय हो, व्यवहार नहीं का विषय हो, तो उसका वर्णन करने से पहले उनकी निषेध की बात कर देते हैं कि बात तो एजेंडा पे आई है, शास्त्र में आचार्य भगवान ने लिखी है, हम उसका विवरण तो करेंगे लेकिन तो ये बात को समझ लेना कि ऐसा है नहीं।
निषेध बतलाते हुए फिर जो वस्तु की व्यवस्था आचार्य भगवान ने जिस अपेक्षा से इस बात को की है, भेद की अपेक्षा से, पारिणामिक के तीन भेद की अपेक्षा से, उस बात का विवरण कर लेते हैं, लेकिन कह देते कि वो शुद्ध निरावरण भगवान आत्मा जो है उसको ये चार भावों का आवरण तो नहीं है, लेकिन आवरण के अभाव की अपेक्षा भी इस भगवान आत्मा को नहीं है। त्राण में जीव पड़ा, भवी पड़ा, अभवी पड़ा, तीन में शुद्ध जीवत्व ऐसा जो शक्ति लक्षण पारिणामिक पड़ा, वो ही वस्तु का त्रिकाली स्वरूप, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं होने से, त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से ज्ञान करने वाला नहीं करते हैं, आ कारण वो निरावरण है। शुद्ध जीवपणा त्रिकाल निरावरण, शुद्ध जीवपणा ध्रुवपणा ज्ञान दर्शन आनंद सत्ता आदि त्रिकाली स्वभाव भाव, जो जीव का जीवपणा, जीव की शक्ति उसका स्वरूपपणा, ऐसा शक्ति लक्षण पारिणामिक पणा, ये त्रिकाल निरावरण है। समझ में आया भारे भाई? आ तो कभी सुना ही नहीं ऐसी बात है। देखिए गुरुदेव ने कितनी स्पष्ट की इस बात को, लेकिन आज दुख की बात है कि अपने मुमुक्षु समाज के अंदर में ऐसी बातें चलती नहीं, जबकि चलनी चाहिए यही सब बातें। आज यदि व्यवहार की बात अपन सब करेंगे तो निश्चय की बात कौन करेगा, स्वभाव की बात कौन करेगा? आज आज अपना एक कर्तव्य बनता है कि अपने स्वभाव की बात करते रहे, जब भी मौका मिले, जब जैसा भी मौका मिले, यदि बात या तो करनी नहीं है, अपने स्वभाव में रहो, और यदि करने का भाव आता है तो वही बात करो जो अपने स्वभाव की है। और कुछ बात से हमें क्या प्रयोजन, क्या लेना देना है? ठीक है, व्यवहार नहीं का विषय नहीं है, ऐसा तो हम मानते नहीं, व्यवहार सच है उसकी जगह पे वो भी हम मानते हैं, लेकिन स्वभाव की बात कहते हैं तो झूठा है, ऐसा जोर के दबा के कहते हैं कि झूठा है, असत्य है, अभूतार्थ है, अपरमार्थ है, जिसा वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं बतलाने वाला व्यवहार है, संयोग को स्वभाव कह दे ऐसी व्यवहार की व्यवस्था है, तो है उसकी अपेक्षा से झूठा, झूठा की अपेक्षा से सच्चा है, हम कहां मना करते हैं? लेकिन इस बात को कहने में खचखचाहट नहीं होनी चाहिए। देखिए गुरुदेव का ये शासन पंचम काल के अंत तक व्यवहार के पक्ष से नहीं चलेगा, स्वभाव के पक्ष से ही ये शासन चलेगा, जो अनादिकाल से चलता है और आज भी चलेगा तो स्वभाव के पक्ष से चलेगा। तो हमारी ये पवित्र जिम्मेदारी है कि हम बात करें तो स्वभाव की करें, किसी को समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आती है, ऐसा हो सकता है, सभा के अंदर में सब जीव एक समान नहीं होते, तो उसको भी समझ में आवे ऐसी बातें करें, लेकिन ले जाए उनको स्वभाव के ऊपर, उस प्रमाण की बात के अंदर में, व्यवहार की बात के अंदर में उलझन में न डाले। ए वक्ता का परम कर्तव्य है कि यदि जिनवाणी को लेकर गणधर परमात्मा की गद्दी पे वो बैठा है तो उसे गणधर परमात्मा जिसको शुद्धात्मा कहते हैं उस शुद्धात्मा की बात ही उसे करनी है। गणधर परमात्मा और कुछ नहीं कहते, वो तो वही कहते हैं जैसा स्वभाव है। तो अपना भी कर्तव्य यह है कि जिनवाणी में सामने जो विषय हो वो विषय की बात करते हुए ले आना स्वभाव के ऊपर। गुरुदेव के पास में भी कोई भी शास्त्र आप रख दो, कोई भी शास्त्र, वो शास्त्र के अंदर में प्रत्येक प्रवचन, आप एक प्रवचन ऐसा दिखा दो जिसके अंदर में गुरुदेव ने सिर्फ व्यवहार की बात करके निश्चय पे भगवान आत्मा पे गुरुदेव नहीं लेके आया। मैं तो एक प्रवचन की बात छोड़ दो, आप कदम कदम पे गायक पर लेके आवे, पैराग्राफ पैराग्राफ पे गायक पर लेके आवे, 5-7 मिनट हो जाए और वो बात चल जाए तो गायक पर लेके आ जाए। तो आज अपना भी ये कर्तव्य बनता है कि अपन शुद्धात्मा की बात करें। देखिये हमारे आपके सबके गुरु गुरुदेव है, बस एक पुरुष, एक पुरुष को आदर्श बनाकर उसको स्तंभ रखकर हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है, और शुद्धात्मा की गुण गाथा गाते गुते उनकी टोली में मिल जाना है। वो मुनि तो अपन मुनि, वो आत्मा में तो अपन आत्मा में, वो उनके आत्मा में अपन अपने आत्मा में, उनके साथ साथ चले, उनके बराबर चले, कोई आपत्ति नहीं है,
क्योंकि हम उनके संतान है, पिता की संपत्ति यदि संतान को काम में नहीं आवे तो किसको आवे। तो ऐसी संपत्ति हमारे लिए रखे गए हैं भगवान आत्मा की, जो अनादि काल से वो संपत्ति हमने देखी ही नहीं थी, समझी नहीं थी, सुनी नहीं थी। हम उस सुनी को सुनी नहीं कहते हैं जो बात समझ में नहीं आता, सुनी को सुनी तब कहते हैं कि जब वो समझ में आ। तो अनादि काल से अपन ने भगवान परमात्मा गुरुदेव के पास में एक बार मैंने कहा था कि साहेब अनादि काल थी अनंत तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सांभड़ी छे, ये बात जे आप क्यों छो ये बात तो साची छे, पण ए तीर्थंकर परमात्मा की अंदर में जे आत्मा की बात जे सांभड़ी थी, ये 18 अक्षर नो शब्द आ त मा एवो जे आत्मा एटले पुद्गल ना अक्षरो थी लखातो जे शब्द आत्मा छे एनी वात सांभळी हती, पण अत्यारे आत्मी पासे हूँ आत्मा छू ए भावे ई वात सांभळीए छीए, तो हवे अमने आत्मा छोड़ीने बीजू काई जोतुं नथी, बीजी कोई वस्तु साथे अमने पड़े नथी। आपणो स्वाध्याय, आपणो चिंतन, आपणी गुरुदेवनी वाणी सांभळवानी पद्धति हूँ आत्मा छू ए भावे होवी जोईए, तो ई आत्मा समझाया विना रहेतो ज नथी। अनादि अनंत सिद्धांत छे, कुदरत आनी साथे बंधायेलू छे कि आप आत्मा से उठो, आप आत्मा से शुरू करो, पर आत्मा आपको समझ में नहीं आवे ऐसा हो नहीं सकता। चलना होगा यहां से चलो, बस आप अंतरंग से चलो। आप आत्मा कभी पर्याय में नहीं आए तो बाहर तो गया ही नहीं है, तो फिर बाहर से अंदर की बात नहीं है। अब रात बाहर में कभी रात का अभाव करे और फिर आत्मा के अंदर में आ पाएगा तो रात का कर्तृत्व तो चालू रहेगा। जो चीज मेरे में नहीं समझती उसकी हम बात क्यों करें? यदि एक समय की पर्याय परद्रव्य है तो उसकी हम बात क्यों करें? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म यदि जड़ है तो हम चेतन के सामने जड़ की चर्चा क्यों करें? जो मेरे में नहीं है वो सदैव नहीं है, सदा ही नहीं है, वो जड़ है तो सदा ही जड़ है। अब नर्सरी में केजी में जो चीज तय करना था अपन तय कर चुके हैं, और तय करके फिर गुरुदेव के सानिध्य में समय सार, नियम सार, प्रवचन सार को लेकर जब आगे बढ़े हैं तो हमारी बात तो वो बात होनी चाहिए जो आचार्य भगवंतों की बात है, हमारी बात तो वो बात होनी चाहिए जो गुरुदेव की बात है। हम गुरुदेव से हटकर बात करें, इसमें इसका मिश्रण और उसमें उसका मिश्रण, तो उसके अंदर में तो अनादि की परिपाटी का भंग नहीं होगा। परिपाटी तब ही पूर्ण विराम पाएगी जब हम बाहर की बात को बाहर रखते हुए स्वभाव के अलावा और किसी की बात न करें, बस मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, इसके अलावा और कुछ रुचे ही नहीं, कुछ जचे ही नहीं, कुछ जमे ही नहीं, ऐसा सहज मात्र में होना चाहिए, स्वाभाविक बने होना चाहिए। इसमें कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, ये सहज बने, बस बात निकले तो शुद्धात्मा के निकले, बात निकले तो भगवान आत्मा के निकले, बात निकले तो भेद ज्ञान की निकले, और भेद ज्ञान क्या है? भेद का ज्ञान से उसका नाम भेद ज्ञान, भेद का ज्ञान उसका नाम भेद ज्ञान नहीं है, भेद का ज्ञान उसका नाम अज्ञान है, और अभेद का ज्ञान उसका नाम भेद ज्ञान है। ऐसा भेद ज्ञान सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, इसी मंगल भावना के साथ। तो मेरे समझ में ऐसा आया कि भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, और जो पर्याय जो शुद्ध होती होती पूरी शुद्ध होती वही मोक्ष है, पर्याय का शुद्ध हो जाना और उसमें मिल जाना, यानी कि उसके एक रूप होना ऐसा बताया आपने पर्याय का। तो वो पर्याय को अर्थ पर्याय बोलते हैं, अर्थ पर्याय क्षण चाहिए ऐसा आता है मोक्ष कल्याण अपने, तो उसका थोड़ा बताया। देखिए पर्याय कभी भी द्रव्य के साथ एक नहीं होती, लेकिन पर्याय और द्रव्य का भेद अनुभूति में मिट जाता है। जब केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, तो विकल्प ही नहीं रहा, जब विकल्प ही नहीं रहा तो ये द्रव्य है और पर्याय है ऐसा विभाग नहीं होता। वहां अनुभूति के समय जो है वो आत्मा है, अनुभूति में द्रव्य पर्याय का ज्ञान नहीं होता, अनुभूति में आत्मा का ज्ञान होता है, तो अनुभूति में जो है वो आत्मा है। अब जब सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान के अंदर में सिर्फ आत्मा है तो मोक्ष में द्रव्य और पर्याय ऐसा विभाग का तो प्रश्न ही नहीं होता, और लेकिन दोनों एक नहीं हो जाता, मोक्ष की पर्याय
परिणमती रहती है, पलटती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन वैसी की वैसी होती है, वही की वही पर्याय नहीं होती, वैसी की वैसी पर्याय होती है। तो मोक्ष के अंदर में भी पर्याय अपना धर्म नहीं छोड़ती, और आप परिणामी भगवान आत्मा जो है वो अपना धर्म नहीं छोड़ता, लेकिन धर्म और धर्मी ऐसा भेद वहां पे समाप्त हो चुका है। जो कुछ भी है उपयोग और उपयोगवान ऐसा भेद समाप्त हो चुका है। जो कुछ भी है बस वो आत्मा है।